व्हाट इज़ दिस, मतलब लिटरली ये क्या चीज़ है, इतनी ज़्यादा ठंड, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी मैं तैयार हुआ ट्यूशन जाने के लिए और ये मफलर लिया, मेरे मफलर भी बांधूंगा, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस अभी, 5 डिग्री सेल्सियस। और क्या क्या पहन, देखो कितना गर्म ठंडी है, मैं बता देता हूँ। हमेशा मैं सिंपल ये पहन लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, नीचे एक स्वेटर, उसके नीचे टी शर्ट और ऊपर से ये, तो समझ सकते हो आप कितनी ज़्यादा ठंड है। और अभी मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, तो एक मिनट पहले मफलर बांधता हूँ मैं। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, अभी एक चीज़, एक ट्रांजिशन अभी मैं दिखाता हूँ आपको, पहले इसको सेटअप कर लो। अभी मैं एक सेकंड में सरदार जी बन जाऊँगा, 1 2 3। तो अभी कैसा लग रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा सरदार जी लग रहा हूँ, और ज़्यादा तो बिहारी लग रहा हूँ, क्योंकि बिहारी मैं हूँ, आई एम बिहारी, तो उस बात पर मुझे गर्व है। तो अभी क्या हुआ, ऐसे देखो, ऐसे पहनने से क्या होता है ना, पूरा कान वान अच्छे से ढक जाता है। वही अगर मैं स्वेट शर्ट पहन लूँ या फिर कोई हुडी वाला टी शर्ट स्वेटर पहन लूँ जिसमें कैप होता है, हुडी होता है, उसको लगाता हूँ तो उतनी ठंड नहीं जाती है। बाइक पे तो और नहीं जाती है, तो मैं अभी बाइक से जाऊँगा ट्यूशन, जब मैं ट्यूशन जाता हूँ लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो ठीक है। ये आपके लिए एक टिप है, ठंडी के दिन में देखो, ठंडी के दिन में फैशन नहीं देखना चाहिए, ठंडी के दिन में अपने शरीर की प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठंडी के दिन में अगर आपका सही शरीर सही है, तो देखो अभी मेरा जीभ लड़खड़ा रहा है ना, तो रहती है क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ठंडी की वजह से। अगर आपका शरीर सही है तो सब कुछ सही रहेगा, कितना भी फैशन आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका शरीर नहीं है ना सही, और इसी ठंडी में लकवा मार देता है, लकवा मार देगा, तो फिर फैशन की लेफ्ट राइट सेंटर हो जाएगा। तो फिर इससे अच्छा है अच्छे से एकदम पूरा अच्छे से कवर होकर जाओ, ये भी एक तरह से फैशन ही है यार। चलो अपना फैशन है, वो देसी फैशन है, वो भी मैं करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सिटी में रह रहे हैं, शहर में रहना है तो मॉडर्न बन के रहें, ऐसे भी ज़रूरी होता है, ये थोड़ा आपको यूनिक बनाता है, अलग बनाएगा। और साथ ही साथ में कान एकदम अच्छे से ढके रहेंगे, थोड़ा भी ठंडी नहीं लगेगी कान में थोड़ी, और शरीर तो पूरा एकदम कपड़े पहन कर हो ही गया है। और अभी देखो, कल मैंने जूते सुखाने को रखे थे वहाँ पे, अभी तो कुहासा में कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, ये देखो जूते सुखाने के रखे थे मैंने कल शाम को, और रात भर छोड़ा मैंने कि हवा चल रही है, ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक हो चुका है, थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे और गीला हो चुका है, लेकिन ठीक है, आज थोड़ा सा धूप उगेगा तो सूख जाएगा, हवा लग के सूख चुका है वो। अब जल्दी जल्दी ट्यूशन जाता है, लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा, चलता है ट्यूशन, आता हूँ मैं ट्यूशन से, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। और हाँ, मैं वैसे सुबह उठा 5 बजे आजकल मैं उठ रहा हूँ, आज पहली बार, नहीं तो मैं 6 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठा मैं पढ़ने के लिए, उठा तभी मैं समझ गया बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने वाली है। आगे पिछल रूम में पढ़ रहा था, जहाँ पे हमेशा वीडियो बनाता हूँ वहाँ पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था यही कि आज स्कूल की छुट्टी हो जाए, स्कूल की छुट्टी हो जाए, लेकिन फिर भी स्कूल वालों ने ठंडी की वजह से छुट्टी नहीं किया, स्कूल वालों ने छुट्टी किया क्योंकि आज तेज बहादुर शाह की शहीद दिवस है, तो उसके वजह से, मतलब उतना अच्छे से मैसेज पढ़ा नहीं मैंने, बस देख लिया छुट्टी है तो ठीक है। और ये देखो कुहासा, मतलब बहुत ज़्यादा है, देखो घर में लिटरली बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मतलब मैं अब जा ही रहा हूँ ट्यूशन, अब आके ही मिलूँगा। तो इसके पहले का जो आपने क्लिप देखा था ट्यूशन जाने के पहले का, वो था 7:30 बजे का, और अभी बज रहे हैं 10:30, मतलब लिटरली 3 घंटे बाद भी मौसम में अभी ज़्यादा चेंज नहीं आया। देखो अभी तो पता चल रहा होगा आपको, ठंडी बहुत ज़्यादा है, छत पे मेरे को ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे में छत पे बहुत मज़ा आता है मुझे ब्लॉग करने में, और अभी छत पे थोड़े मन करने नहीं कर रहा, लेकिन लाइटनिंग अच्छी है इसीलिए मैं छत पे चला आता हूँ ब्लॉग करने के लिए। और मैंने सोचा था कि आज कहीं जाएंगे, लेकिन इतनी ठंडी लग रही है, लेकिन ठंडी में मुझे जाने में कहीं मज़ा आता है, वही ठंडी मेरा फेवरेट है, विंटर सीजन मेरा फेवरेट है, लेकिन तभी फेवरेट है जब स्कूल ना जाना हो, तो स्कूल जाना हो तब मुझे विंटर नहीं पसंद है, क्योंकि स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, नहाओ सुबह सुबह फिर स्कूल जाओ फिर नहीं, और वही कहीं घूमने जाना हो तो मैं ठंडी में चला जाऊँगा घूमने, कितनी भी ठंडी हो। तो अभी हम जा रहे हैं आग जलाने के लिए, प्लास्टिक वगैरह सब कुछ कागज़ वगैरह सब इसमें डाल दिया, और हम यूज़ करेंगे पेट्रोल या फिर मिट्टी का तेल तो है नहीं, तो इसके जगह हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, आग जलाने के लिए सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे अभी।
तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी मैं एकदम मतलब सुबह से मैंने ज़्यादा ब्लॉग व्लॉग नहीं किया है, मगर तो ठंडी इतनी ज़्यादा है कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ मैं मतलब, और मतलब क्या करूँ। और अभी मैं आया तो मैंने देखा मतलब तभी से बहुत दिनों से मेरा इस बात पर ध्यान जा रहा था कि ये देखो ये मैंने चिपकाया था तो ये पूरा निकल चुका है टेप से, ये रुक ही नहीं रहा, इधर भी निकल चुका है यहाँ पे तो ये रुक ही नहीं रहा, और ये सबसे ज़्यादा मैस तो यहाँ पे हुआ पड़ा इस कपड़े वाले इस पे, तो इसको मुझे सही करना है। अभी मैं क्या करूँगा, स्कूल का ड्रेस सारा मतलब सब कुछ इसी पे है, तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सारे जो स्वेटर जैकेट वगैरह हैं वो सारे ऊपर पर रहेंगे, बीच वाले पे जीन्स वगैरह रहेंगे, और सबसे नीचे रहेंगे शर्ट्स वगैरह। तभी इसको जल्दी जल्दी इसको सही करते हैं और फिर बात करते हैं आपसे। और ठंडी काफ़ी ज़्यादा है मतलब, ठंडी इतनी ज़्यादा है कि एक बार कपड़े पहन लो तो फिर बदलने का मन नहीं कर रहा। अभी मैं बाहर गया था मतलब कुछ काम से गया था मार्केट, आया हूँ तब से मैंने कपड़े बदलने का मन ही नहीं कर रहा मेरा, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और बस पहले काम करते हैं फिर बात करते हैं। तो अभी मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया इसे अच्छे से, मतलब उतना भी अच्छे से अरेंज नहीं किया पर मतलब अब ऑर्डर में तो अरेंज हो गया। ऊपर सारे स्वेटर हैं, नीचे शर्ट है, उस सबसे नीचे पैंट जीन्स वगैरह का जो भी है, लोअर ट्राउज़र सब कुछ, तो अभी ठीक है। और अभी मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, चेंज कर मेरे पहले चाय पीते हैं जाके, चाय नहीं मैं पीऊँगा कॉफ़ी पीऊँगा, चाय मुझे मतलब ज़्यादा मैं चाय नहीं पीता, तो पर उधर जाते हैं मम्मी और मेरे सिस्टर चाय पियेंगे, मैं कॉफ़ी पीऊँगा, तभी चलते हैं पहले वो बनाते हैं पी के आते हैं, क्योंकि काफ़ी ठंड है थोड़ी गर्म चीज़ पीने खाने में अच्छा लगता है, तो अभी जाते हैं उसे और पी के आते हैं फिर बात करते हैं चलो। तो गुड मॉर्निंग, आज है day 2 और अभी सुबह के बज रहे हैं 11 बजने वाला है दोपहर के, और इस तरह का मौसम देखो आप, तो पूरा मौसम एकदम ठंडा है बिल्कुल। और अभी मैं आया हूँ एजेंसी पे गुप्ता ऑटोमोबाइल्स पे, क्योंकि आज हम लेके जाने वाले हैं हीरो प्लेजर स्कूटी, उसका एक रिव्यू वीडियो बनाना है, तो उसको अभी लेने आया हूँ मैं, तभी वो धुल रही है, उसको लेजर में दिखाता हूँ आपको कैसे धुला रहा है, धुलाई हो रही है, चलते पीछे देखते हैं। तभी डैडी के साथ आया हूँ मैं और स्कूटी लेकर चला जाऊँगा, और अभी मैं बैठा हूँ कहाँ पे दिखाता हूँ। ये बाइक आपको याद होगी एक्सट्रीम 160R, इस पर मैं बैठा हुआ हूँ, काश मुझे ये फिर से मिलती, फिर से क्या मज़ा होता, लेकिन अभी प्लेजर मिलेगा वही लेके चलते हैं, अभी चलता है दिखाता हूँ मैं कहाँ धुलाई हो रही है। मैं हूँ अपने छत पे और मेरे घर पे हुई है अभी एक भोजपुरी फिल्म की एक शॉट की शूटिंग हुई है, मतलब एक शॉट लिया उन्होंने रोड पे वाला, और अभी मैं अपने छत पे हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको नीचे चले गए, ऊपर का शॉट उन्होंने ले लिया और नीचे का उनको मतलब रोड का शॉट चाहिए था, तो नीचे अभी देख रहा नीचे देख रहे मैं दिखाता हूँ उनके क्रू के। तो अभी अभी मैंने स्कूटी की रिव्यू वाली वीडियो शूट कर ली है, उसे ख़त्म कर लिया, स्टेशन पे आया था मैं शूट करने के लिए, मैंने सोचा कि पिछले ब्लॉग ही में जोड़ देते हैं थोड़ा बहुत, स्टेशन आपको दिखा देते हैं हम, ऐ पकड़ना इसको, पहले चढ़ जाओ पहले चढ़ जाओ पहले चढ़ो जल्दी इसको पकड़ो 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 पकड़ो। तभी हम लोग अपने स्टेशन पे हैं, अभी देख सकते हैं, देखो ये इतना सन्नाटा इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई ट्रेन तो चल नहीं रही है, सारे इंजन वगैरह यहीं पे खड़े हैं, ये देख सकते हो आप, यहाँ बैठा जा थोड़ा देर, साफ साफ साफ
बहुत गंदा है, बैठने लायक नहीं है। तो स्टेशन पर शूट करने के बाद मैं घर पे आ गया। स्टेशन पर उन्होंने ज़्यादा शूट नहीं करने दिया, स्कूटी की वीडियो शूट की तो उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद जैसे स्टेशन पर मैं चढ़ा शूट करने, व्लॉग शूट करने के लिए, तब उन्होंने मना कर दिया, तो कुछ भी शूट नहीं किया। फिर हम लोग घर पे आ गए। घर पे आने के बाद उस दिन 20 तारीख आज 23 तारीख है, तो 20 तारीख और 21 तारीख दोनों दिन शूटिंग चली थी। दोनों दिन मैंने शूटिंग देखा था खूब आराम से, लेकिन उसमें अपना काम भी किया था, स्कूटी वाली वीडियो एडिट की थी, उसको अपलोड कर दिया था, तो स्कूटी वीडियो आ गई है। अगर अभी तक नहीं देखा तो जाके देखो उसको, स्कूटी की रिव्यू वीडियो है हीरो प्लेजर की, तो वो देखो जाके। और ये भी वीडियो आज आ ही जाएगी, ब्लॉग है तो ये भी आ जाएगा बस। और हाँ तो जल्दी हमारा मोटो ब्लॉग सेटअप भी होने वाला है। और कैसे होने वाला है वो हमारा गोप्रो से नहीं शूट होगा, मतलब वो तो बहुत महंगा हो जाएगा। फिर मैं दिखाऊंगा कैसे शूट होने वाला है और कैसे मैं उसे सेटअप करूंगा, ताकि जब भी मैं इधर उधर पास में भी जाऊँ तो बाइक वाला भी कंटेंट हो सके हमारे ब्लॉग में। तो उसके लिए मोटो ब्लॉग सेटअप हो जाएगा, और फिर बाइक से भी कहीं जाएंगे तो वो भी मोटो ब्लॉग होगा तो अच्छा लगेगा। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।